हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ट्रांजिशन। तो आज हम लोग एडिट करने वाले हैं रमजान स्पेशल पीस। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत यूनिक और बेस्ट कॉन्सेप्ट है। मेरे को इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो फ्रेंड को दीजिए। अगर वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग ऐड कर लेंगे प्लस फोटो को। पहले तो हम लोग मॉडल को ऐड कर लेंगे। यहाँ से मॉडल को ऐड कर लिया है। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, नीचे ड्रॉ में जाएंगे, ड्रॉ में फोटो को ले लेंगे। फिर यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। यहाँ से प्लस फोटो के फोटो को ऐड कर लेंगे। फोटो यहाँ से ऐड हो गई, प्लस ओके। उसको स्क्रॉल करके नीचे ले देंगे, जो एमपी ले रहे उसको नीचे लेके हम लोग शैडो क्रिएट कर लेंगे। आपको जितने भी फोटो के जैसे ये स्टॉक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फोटो ले लेंगे, आप अपना फोटो खुद क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, आप भी ऐसे ही कीजिए आराम से। वो आपका जो शैडो है मेन इंपॉर्टेंट होता है फोटो में देखने के लिए। ये देखिए परफेक्ट लिए मेरा व्यू हो गया। मैं यहाँ से जंपी ले लेंगे, मैं बर्ड यहाँ से ले लूँगा लेके जो मेरे खांदे पे बर्ड बैठी हुई है मैं उसको ऐड कर लूंगा। ये मैंने पहले से सेट की हुई है, आप भी अपने हिसाब से सब सेट कर लीजिए। ये देखिए परफेक्टली ये सेट हो गई हुई है। ओके, अभी मैं यहाँ से एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करूँगा। यहाँ से मैं जाऊँगा फोटो में, मैं यहाँ से जो बर्ड ले लूँगा, सामने जो ब्लर आ रही है मैं इसको ओके कर दूँगा। यहाँ से ट्रांसफर करके मैं इसको मेरे एंगल में रख के इसको सेट करूँगा। ये ओके छोटा करूँगा और थोड़ा सा छोटा करते जाऊँगा। ये ओके हो गया। अभी मैं इसका जो ऊपर जो लाइन आई अभी ओके हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके मैं इसको मेरे बैकग्राउंड के परसेंट सेट कर लेता हूँ। ये परफेक्टली हो गया है। अभी मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। मैं यहाँ से बाहर जाके और जो गेम भी है मैं इसको ऐड कर लूँगा। एक एम्प्टी दे देता हूँ दे देंगे। फिर मैं यहाँ से थोड़ा सा मैं ट्रांसफर कर लूँगा तो मेरे बैकग्राउंड के थोड़े परफेक्ट से शूट की है। ऐसा लगे पीछे से कुछ रोशनी आ रही है। ये देखिए परफेक्ट है। आप मैंने एडजस्ट कर लिया है। अभी मेरा ये थोड़ा सा ओके हो गया। मैं इसको ओके कर देता हूँ। मैं यहाँ से और एक फ़ोटो ऐड करूँगा जो मेरे पाँव के पास फॉग ऐसा लगे कि कुछ रेत उड़ रही है। मैं इसको स्क्रीन यहाँ से जाऊँगा ब्लेंडिंग मोड, इसका स्क्रीन कर लूँगा। ये परफेक्टली मेरा दिख रहा है ओके। मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ ब्लेंडिंग मोड, ये ओके हो गया परफेक्टली ओके। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा ड्रॉ में जा के यहाँ पे थ्री डॉट क्लियर रहता है साइड में, यहाँ पे इसको आप क्लिक कीजिए, सेव कीजिए।
पार्ट हमारा होता है यहीं पे, जो कलर ब्लेकिंग हम लोग कम ज़्यादा करते हैं मेन यही होता है। आप लोग एक एक पॉइंट देखिए, आप भी अपनी फोटो एडिट कीजिए और मेरे इंस्टा पे मेरे को टैग कीजिए तो मैं देखूँगा परफेक्टली। तो मैं इसको मेंशन करूँगा आपके लिए, यहाँ से एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, कॉन्ट्रास्ट हम लोग रहने देते हैं, हाईलाइट को थोड़ा सा कम कर लेंगे, शेडो को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, शेडो को थोड़ा हाईलाइट थोड़ा कम और इसको मैं ब्लैक वाइट थोड़ा सा कम कर दूँगा, ब्लैक थोड़ा अपने हिसाब से कम कर लेंगे। फिर ये परफेक्टली हो रही है। अभी हम लोग कलर रीडिंग में जाएंगे, सूट दे रहा है। अभी हम लोग सैचुरेशन भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये हमारा मेन पार्ट हो गया क्वालिटी का। क्वालिटी हम लोग ऐसे ज़्यादा बढ़ाने खराब देते हैं, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अभी हम लोग शार्पनेस जो है शार्पनेस में रखेंगे नियर बाई 60 और हम लोग नॉइस रेडिएशन हम लोग कर लेंगे तो जो शार्पनेस हो रहा है वो परफेक्टली कैप्चर कर पाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ बिफोर आफ्टर कैसी है फोटो। आपको क्वालिटी से फोटो सेव करना भी बता देता हूँ। यहाँ से हम लोग जाएंगे पिक्सार्ट में, अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में बताइए आपको कैसे चाहिए। हम लोग यहाँ से परफेक्टली मेरा क्वालिटी में सेफ हो जाएगी। चलिए थैंक्स फॉर।